हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो चुका है और साथ ही स्टार्ट हो गया है मिठाइयाँ खाने और खिलाने का सिलसिला। करवा चौथ बिल्कुल पास है और दिवाली भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं, तो क्यों ना इस सीज़न अपने घर में खुद ही मिठाई बनाई जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 ऐसी लड्डू रेसिपीज़ जो बनाने में बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही यमी। तो इन सारी रेसिपीज़ को बनाने के लिए वही इंग्रेडिएंट्स लगेंगे जो ऑलरेडी आपके घर में हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये स्वीट्स बन जाती हैं, तो कोई भी बहुत ही ईजीली इनको बना सकता है। लेकिन मिठाइयाँ खाने से पहले, अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है, ये मौका बहुत ही अच्छा मौका है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। और फेस्टिवल सीजन में मिठाई खाने से मैं खुद भी परहेज नहीं करती। तो करवा चौथ के लिए मिठाइयाँ मेरी रेडी हो चुकी हैं और दिवाली के लिए हम दोबारा बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि किस तरह से मैंने ये चारों लड्डू रेसिपीज बनाई हैं। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी और आप भी ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रेसिपी, विच इज़ पीनट लड्डू। पीनट लड्डू बनाने के लिए पीनट तो हमें चाहिए होंगे। मैं हमेशा रॉ पीनट्स का यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो रोस्टेड पीनट भी ले सकते हैं, लेकिन लड्डू बनाने से पहले उनको भी एक बार आपको रोस्ट करना पड़ेगा। बस टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस रहेगा। अगर रॉ पीनट्स हैं तो 8 to 10 मिनट्स आपको मीडियम फ्लेम पे इनको रोस्ट करना होगा। अगर आपके पास रोस्टेड पीनट है तो 1 से 2 मिनट रोस्ट करके भी काम चल जाएगा। अभी इनको रोस्ट करते करते मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो चुका है और बाहर से इनका छिलका हल्का ब्राउन होने लगे तो आप फ्लेम ऑफ कर दें और उतार के इन्हें ठंडा करेंगे और उसके बाद इसका छिलका अलग कर देंगे। पीनट्स ठंडा होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो कम्प्लीटली इसे कूल डाउन होने दें, उसके बाद ही इसका छिलका उतारना शुरू करें, अदरवाइज आपके हाथ भी जल सकते हैं। पीनट्स का छिलका अलग कर देने के बाद मैंने इसे ग्राइंडर जार में डाल दिया है। एक बार इसे कोर्सली हम ग्राइंड करेंगे। कोर्सली ग्राइंड हो जाए उसके बाद 2 चम्मच हम निकाल के इसके अलग रख लेंगे। उसके बाद दोबारा हम इसे बारीक पीसेंगे और जब पीनट्स हमारे पास पाउडरी फॉर्म में आ जाए उस वक्त हम इसमें डालेंगे 1 कप जैगरी। जैगरी मीठे के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर नहीं तो आप वैसे भी 1 चम्मच सौंफ डाल सकते हैं, कि हम इन्हें ग्राइंड कर रहे हैं तो वो पाउडर फॉर्म में अपने आप आ जाएगी। ग्राइंड कर लेने के बाद एक बार इन्हें चेक कर लें कि ये अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। अगर ये बाइंड हो रहे हैं देन फाइन, अगर नहीं हो रहे हैं तो एक बार आप और ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंड करने से हीट पैदा होती है और जैगरी का मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिससे बाइंडिंग ईजी हो जाती है। क्योंकि हम इसमें घी या ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास बाइंडिंग के लिए जैगरी ही एक ऑप्शन रह जाता है। इसके बाद सारे मिक्सचर को मैंने एक बोल में निकाल लिया है, साथ ही इसमें ऐड किया है पीनट का वो पाउडर जिसे मैंने मोटा मोटा पहले ही पीस लिया था, और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है थोड़े से किशमिश। आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद गोल गोल लड्डू बनाते जाएं और एंजॉय करें। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके बनाते बनाते ही लड्डू खत्म हो जाए, जैसे मेरे घर में मीठा चखते चखते लड्डू आधे हो चुके थे। नेक्स्ट रेसिपी है सूजी चना लड्डू। के लिए सबसे पहले हम सूजी को ड्राई रोस्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी ली है। सूजी मोटी भी हो सकती है या बारीक भी। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आपको इसको रोस्ट करके ठंडा करने के बाद ग्राइंड भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत बारीक सूजी है तो आपको उसे ग्राइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सूजी को रोस्ट होने में मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। ठंडा करने के लिए इसे किसी अलग बाउल में निकाल लें। अगर आप उसी बर्तन में से ठंडा करेंगे तो बर्तन का जो बेस होता है वो बहुत गर्म होता है, तो सूजी और भी ज्यादा रोस्ट हो जाएगी, और ज्यादा ब्राउन सूजी हमें लड्डू बनाने के लिए नहीं चाहिए। लड्डू में ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो उन्हें बिना ऑयल के थोड़ा सा रोस्ट कर लें ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए। उसके बाद ड्राई फ्रूट को बारीक बारीक काट लें या फिर इन्हें ग्राइंड भी कर सकते हैं। और इधर सूजी भी ठंडी हो चुकी है, उसे मैंने ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा ग्राइंड कर लिया है ताकि वो पाउडरी फॉर्म में आ जाए। उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे रोस्टेड चना। इजीली मार्केट में अवेलेबल है बिना सॉल्ट के रोस्टेड चना आप ले। पीनट्स और रोस्टेड चना हमेशा मेरे घर में अवेलेबल होते हैं क्योंकि मैं मंचिंग के लिए इन्हीं का यूज़ करती हूँ। और अब सारी चीज़ों जैसे कि सूजी, चना पाउडर, ड्राई फ्रूट पाउडर, इलायची पाउडर, और साथ में डाल रही हूँ मैं देसी खांड का पाउडर।
आप चाहें तो आपके घर में जो शुगर होती है उसे भी आप ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन देसी खांड नॉर्मल खांड से बेटर होती है तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। इस रेसिपी में लड्डू को बाइंड करने के लिए हमें देसी घी का यूज़ करना होगा। देसी घी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ये एकदम से घी को अब्सॉर्ब कर लेती है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालते जाएं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही घी इसमें ऐड करें और लड्डू बना के देखें। जैसे ही आपको लगे कि ठीक से आपके लड्डू बाइंड हो रहे हैं तो उस वक्त घी डालना बंद कर दें। सूजी की वजह से लड्डू थोड़े ड्राई बनते हैं, ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता है इनमें। इनको खाते वक्त आपको मार्केट से लाई गई बेसन की पिन्नी जैसा टेस्ट आएगा। तो चलिए अब बनाते हैं आटा लड्डू। वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी, मीठा खाने का जब भी मन करे आप घर पे फटाफट से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है, तो थोड़ा सा इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो स्टार्टिंग में ही घी ऐड करके भी इसे आप रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्राई रोस्ट करने से आटा थोड़ा जल्दी रोस्ट हो जाता है, इसीलिए मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आटा हल्का ब्राउन होने लगे उसी वक्त हम इसमें डाल देंगे घी, और अगर एक कप मैंने आटा लिया है तो कम से कम 7 से 8 टेबल स्पून इसमें देसी घी जाएगा। घी डालने के बाद भी इसको आपको थोड़ी देर रोस्ट करना होगा। 1 से 1.5 मिनट देसी घी में आटे को भून लेने के बाद आप देखेंगे कि आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर इसे ठंडा होने दें, क्योंकि गरम गरम आटे से आप लड्डू नहीं बना पाएंगे। जैसे ही ये ठंडा हो गया उसके बाद साथ ही मैंने इसमें डाल दिया 1 कप पाउडर शुगर। तो मीठे के लिए जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ पे देसी खांड का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ मैंने इसमें डाल दिए हैं कटे हुए बादाम। अच्छे से इनको मिक्स कर लें, फटाफट से लड्डू बनाएं और एंजॉय करें। तो चलिए देखते हैं आज की लास्ट रेसिपी, विच इज़ मावा पेड़ा। और इसे बनाने के लिए सामान तो कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आपका टाइम और आपकी पेशेंस दोनों चाहिए होगा। यहाँ पे 1 लीटर मैंने दूध लिया है, कप के अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ पे 6 कप दूध बनता है। करना कुछ खास नहीं है, बस मीडियम फ्लेम पे दूध को उबालते जाना है और चलाते जाना है, और ये काम हमें तब तक करना है जब तक दूध बिल्कुल सूख के मावा में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और इस काम को करने में आपको कम से कम आधा घंटे का टाइम लगेगा। जैसे जैसे सूख के दूध कम होता जाएगा उसके बर्तन के साथ चिपक के जलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो इस स्टेज में बिना रुके आपको दूध को चलाते जाना है। जैसे ही आपको मावा जैसा टेक्सचर दिखने लगे तो उसमें डाल देना है 1 कप शुगर, और हीट की वजह से शुगर भी पानी छोड़ेगी। थोड़ी देर इसे हम और पकाएंगे जब तक ये दोबारा से थिकना हो जाए। मावा पेड़ा खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक इसे आप स्टोर नहीं करके रख सकते, लेकिन आजकल वेदर चेंज हो गया है तो 1 वीक तक तो आप इसे स्टोर कर ही सकते हैं। बस मावा रेडी हो जाए तो उसे किसी प्लेट में निकाल दें, हाथों पे ग्रीस लगा के उसके लड्डू बना लें और उसे गार्निश कर सकते हैं अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से। तो आपने देखा मैंने किसी भी लड्डू रेसिपी में चाशनी का यूज़ नहीं किया है। सो बिना चाशनी के कम इंग्रेडिएंट्स के साथ कम टाइम में बनने वाली बहुत ही टेस्टी मिठाइयाँ हैं, तो ट्राई कीजिए, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।